इंग्लैंड को रौंदकर ऑस्ट्रेलिया ने फिर से दिखाई धमक, सभी टीमों के लिए बजी खतरे की घंटी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, कल ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच तीसरा अभ्यास मैच खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 12 रनों से हरा दिया। इससे पहले इंग्लैंड ने टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया से बल्लेबाजी को कहा। ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर में 297 रनों का शानदार स्कोर खड़ा किया। ऑस्ट्रेलिया की ओर से एक साल के बाद वापसी कर रहे स्मिथ ने शानदार शतक ठोका और 102 गेंदों पर 8 चौके और 3 छक्कों की मदद से 116 रनों की पारी खेली। इसके अलावा वार्नर ने 46, ख्वाजा ने 31, मार्श ने 30 और एलेक्स कैरी ने 30 रन बनाए। इंग्लैंड की ओर से प्लंकेट ने 4 विकेट लिए, जबकि मार्क वुड ने, टॉम करन और डॉसन ने 1 विकेट लिए। जवाब में इंग्लैंड की पारी 49.3 ओवर में 285 रनों पर सिमट गई और मैच को 12 रनों से गवा बैठी। इंग्लैंड की ओर से जेम्स विंस ने सबसे ज्यादा 64 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 76 गेंदों का सामना किया और 6 चौके लगाए। इसके अलावा बटलर ने तूफानी गति से 31 गेंदों पर 5 चौके और 3 छक्कों की मदद से 52 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की ओर से जेसन बैंड्रॉफ और केन रिचर्डसन ने 2-2 विकेट लिए, जबकि कुल्टन, नाइल जैम्पा, नाथन लियोन ने 1-1 विकेट लिए। विश्व कप में हमेशा ही शानदार प्रदर्शन करने वाली ऑस्ट्रेलिया ने इस बार बेहतरीन शुरुआत की है और बाकी टीमों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलिया 5 बार विश्व चैंपियन रह चुका है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।